तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पर बड़ी पतंग है, लेकिन ये क्या साइड से फट चुकी है। तो अब हम इसको एक नया डिजाइन यहाँ पर देंगे और एक नए डिजाइन के साथ इस चीज को भी यहाँ से कटिंग करेंगे। आप डिजाइन देखिए और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं भाई किस तरह से ये दिखेगी और क्या अच्छी लगेगी उस डिजाइन में या नहीं लगेगी। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ से हमारी पतंग फट चुकी है, तो मैं यहाँ से इसको तोड़ दूंगा इस तिल्ले को। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको किया ब्रेक डाउन इस तरह से, ऐसे यहाँ से ये चीज मैंने तोड़ दी, इसको भी मैं काट लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ से स्ट्रेट लाइन में इधर के लिए पूरी कटिंग कर दूंगा इसकी। तो चलिए मैं इसकी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में कटिंग कर देता हूँ इस तरह से, सेम मुझे यहाँ से एकदम एंड तक यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे यहाँ से तिल्ला तोड़ता तो सेम वे मैं यहाँ से भी इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से ब्रेक डाउन किया अपने तिल्ले को और इसकी भी मुझे कटिंग ऐसे ही करनी है जैसे मैंने उस साइड की थी। तो सेम वे में यहाँ से कटिंग करते हुए इसको ले जाऊँगा मैं नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ पे। तो अब जो हमारी पतंग है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर नज़र आ रही है। अब इसके बीच में मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस तरह से गोलाई में दो शेप और काट दूँगा, मतलब गोलाई की शेप, ताकि ये थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी लगे। यहाँ पर ये शेप काट के मैंने सेम वे में यहाँ से भी इसी तरह से थोड़ी सी मैं गोलाई की शेप यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो देखिए ऐसे ही मुझे इधर से करना जैसे उधर से किया मैंने, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा गोलाई की शेप लूँगा अपने, ठीक है, और ऐसे ही मैं नीचे से यानी यहाँ से भी इसी तरह की गोलाई की शेप यहाँ पर ले लेता हूँ। ये देखिए, अब देखिए कितनी प्यारी लुक यहाँ पर नज़र आ रही है इस पतंग की। अब मुझे और क्या काम करना होगा, अभी ये मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर का काइट पेपर है, इसकी मैं झालर बनाऊंगा ताकि मैं झालर नीचे तरफ यानी पूछ में उससे बना पाऊँ। तो मैं इसको थोड़ा फोल्ड डाउन यहाँ पर कर लेता हूँ इस तरह से, इसको मैंने फोल्ड किया कैंची की मदद से, मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ यहाँ पर, ये देखिए। और अब इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ से अब इसकी कटिंग कर लेता हूँ ताकि एक झालर की शेप मुझे प्रॉपर मिल पाए। तो देखिए यहाँ पे झालर की शेप प्रॉपर मिल गया। अब मैं क्या करूँगा टेप की मदद से इसको यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो चलिए टेप की मदद से इसको यहाँ पर मैं चिपका देता हूँ। चाहो तो आप फेविकोल से भी चिपका सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर टेप का यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको टेप की मदद से यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो देखिए, ये देखिए, तो हमारी जो पतंग थी वो फाइनली बन के हो चुकी है रेडी। बैक साइड देख सकते हैं, फ्रंट साइड देख सकते हैं। अब बात आती है इसके कन्ने पाने की, तो कन्ने सेम जैसे हम आम पतंग में पाते हैं तो ऐसे ही हम इसमें कन्ने यहाँ पर पाएंगे। चार होल करने होते हैं हमको, दो ऊपर की तरफ दो नीचे की तरफ। उसके बाद मैं सद्दी ले लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सद्दी ले लिया, थोड़ी सी मैं सद्दी को तोड़ लेता हूँ। देखिए, तो आपको क्या करना है, एक तरफ से सद्दी इस तरह से डबल कर लेनी है ताकि जो मेरे कन्ने को अच्छे से बन पाए। एक होल से मैं पास करूँगा इसको और जो मेरा ठड्डा और कमान है उनको बांधते हुए मैं यहाँ से वापस इसको निकाल दूँगा। अब देखो मेरे जो ठड्डा कमान है वो जुड़ चुके हैं और यहाँ पर मैं इसको बांध दूँगा। ये देखिए ऐसे सेम वे में मैं नीचे की तरफ भी इस तरह से फोल्ड करूँगा इसको डबल के लिए और यहाँ पर मैं एक तरफ से इसको निकाल लूँगा और सेम वे में दूसरी तरफ से इसको वापस और यहाँ पर मैं इसको बांध दूँगा। और उसके बाद कन्ने सेंटर में करने हो कैसे, वो हवा के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आपको देखना भाई आगे रखने कन्ने पीछे रखने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए फाइनली हमारी पतंग हो चुकी है रेडी। लाइक जरूर करें यार।